Hey guys, what's up? This is Ajit Sahib from AutoCops. And guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं XUV 500 के लीक्ड फीचर्स के बारे में. सो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ही एंटिसिपेटेड है और बहुत सारे लोग इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट राइट इनटू इट. सो गाइस, जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो रहने वाला है 2021 XUV 500 के इंजन ऑप्शंस. गाइस, इसके अंदर आपको एम स्टैलियन 2000 सीसी तक का पेट्रोल इंजन देखने को भी मिल जाएगा और 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन भी. जो स्टैलियन इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है जिसके बारे में बात मैं कर रहा था, वो प्रोड्यूस करेगा 190 ब्रेक ऑफ हॉर्स पावर और जो डीजल इंजन है एम हॉक यानी कि वो प्रोड्यूस करेगा 180 पीएस ऑफ हॉर्स पावर. एंड गाइस, इसके अंदर आपको साथ ही साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक वर्जन में आपको जो गियर बॉक्स है देखने को मिल जाएगा. सो गाइस, जो दूसरा लीड फीचर है जो अभी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से न्यूज निकल कर आ रही है, वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और डुअल स्क्रीन. महिंद्रा XUV 500 के अंदर आपको दो डिजिटल डिस्प्लेज देखने को मिलेंगे. जो पहला डिस्प्ले होगा वो डेफिनेटली स्पीडोमीटर होगा जो सेकेंड स्क्रीन होगी वो रहेगी आपकी इंफरटेनमेंट सिस्टम. इस गाड़ी के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी स्क्रीन्स की अभी तक लीक नहीं हुई है और अभी तक बाहर नहीं आई है निकल कर, बट इसके साथ आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाएगा. जो पहले मैनुअल आया करती थी पुरानी XUV 500 के अंदर, वो इलेक्ट्रिक दे दी गई है. सो गाइस, जो थर्ड चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो रहने वाला है इसका कॉम्पिटिशन. XUV 500 का कॉम्पिटिशन अब मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है. टाटा हैरियर की सेल्स अब ऊपर जा ही रही है और साथ ही साथ MG हेक्टर की भी सेल्स कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, बिकॉज MG ने थोड़े दिनों पहले ही ये फैसला किया था कि वो इंडिया के अंदर 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करेगी. तो आप सोच ही सकते हैं वो अपनी इंडिया की सेल से कितनी ज़्यादा इंप्रेस्ड है. सो गाइस, महिंद्रा XUV 500 जो 2021 वेरिएंट है, अब वो एज अ नेम मैंने बोल ही दिया, वो 2021 में ही आएगा. अब ये देखना बाकी है कि उसकी कौन कौन सी लीक्स निकल के सामने आती है हमारे और कौन कौन से फीचर्स महिंद्रा सोचता है इस पर्टिकुलर गाड़ी में ऐड ऑन करने को नए वर्जन में. सो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था. आई होप ये वीडियो आपको छोटी सी लगी भी होगी और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बिकॉज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जो कंटेंट है वो क्वालिटी फोकस्ड होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी फोकस्ड. सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. एंड ऑन दिस वेरी नोट आई विल बी साइनिंग ऑफ. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज टू कम टू नोटिफाई यू फॉर. Thank you so much guys for watching this video, and I will definitely talk to you guys in the next one.